मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको आउट टेंस सीखे का पार्ट 16 कराने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराऊंगी। देखो, पास्ट मतलब होता है बीता हुआ कल और इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन के सेंटेंस, है ना। इसके पहले के जितने भी पार्ट है उसमें मैंने प्रेजेंट के और पास्ट के पार्ट करा दिए, आप जाकर देख लेना। देखो सेंटेंस क्या दिया हुआ है, क्या तुम्हारे बड़े भाई यहाँ आए थे। देखो पास्ट का सेंटेंस है ना, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या से। जब भी क्वेश्चन शुरू में क्या से पूछा जाए, आप उसकी इंग्लिश डिड से शुरू करो, है ना। डिड योर, अब बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर, डिड योर एल्डर ब्रदर। फर्स्ट फॉर्म जब भी डिड यूज होगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी, है ना। और देखो क्वेश्चन में शुरू में क्या होना चाहिए ये ध्यान रखो, तभी डिड लगेगा। डिड योर एल्डर ब्रदर, फिर पीछे से देखो, है ना, आई की इंग्लिश लगा दो कम, और फिर यहाँ कम है यार। क्या माधव वहाँ गया था, डिड माधव गो देयर, वहाँ के लिए देयर, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो। क्या सचिन यहाँ आया था, डिड सचिन कम है यार। क्या तुमने आज उपन्यास नहीं पढ़ा था, देखो क्या की इंग्लिश है ना, तो डिड लगा दो और पास्ट में पूछा जा रहा है। डिड यू नॉट रीड अ नॉवल, उपन्यास के लिए नॉवल, है ना। डिड यू, यहाँ देखो ये निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी डिड यू तुरंत उसके बाद नॉट लगा दो, नॉट रीड अ नॉवल टूडे। क्या तुमने किसी को कभी नहीं पीटा था, अब देखो यहाँ पर नहीं नहीं कभी यूज है ना, कभी के लिए डिड यू एवर बीट समवन, समवन मतलब किसी को भी, है ना, एवर मतलब कभी यूज हो गया। क्या राहुल कल यहाँ रोया था, Did Rahul cry here yesterday? Did के क्या के लिए did लगा दिया आपने, Did Rahul cry, रोने के लिए cry, here मतलब यहाँ, और yesterday। टेंस हमेशा पीछे से चलता है, आगे लिखो फिर पीछे से करो। क्या इन लड़कियों ने एक पाठ याद किया था, Did इन लड़कियों यानी these girls, अगर उन लड़कियों होता तो आप those girls बताते। Did these girls remember one lesson? देखो remember मतलब याद करना, एक पार्ट यानी one lesson हो गया। क्या इस लोहार ने कल हथौड़ी बनाई थी? Did the blacksmith, लोहार के लिए blacksmith, सुनार होगा तो goldsmith, है ना। Did the blacksmith बनाने के लिए make the hammer, हथौड़ी को hammer बोलते हैं ना, hammer yesterday। क्या राहुल ने रमेश को तैरना सिखाया था, डिड राहुल टीच रमेश टू स्विम, है ना। गौरव ने तुम्हें क्या दिया था, अब देखो अभी तक आप जितने सेंटेंस करे उसमें क्या शुरू में क्या पूछा गया था ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन बीच में क्या आ रहा है, तो आप इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या की इंग्लिश आप लगा दो, यानी वॉट, वॉट के तुरंत बाद डिड, वॉट डिड गौरव गिव यू, गौरव ने तुम्हें क्या दिया था, वॉट डिड गौरव गिव यू। नेहा ने कल क्या लिखा था, वॉट डिड नेहा राइट यस्टरडे, उन्होंने तुम्हारी साइकिल क्यों तोड़ी थी, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगा दो, है ना, वाई डिड, उन्होंने के लिए दे, वाई डिड दे ब्रेक योर बाइसिकल। आराध्या यहाँ कब आई थी, कब की इंग्लिश व्हेन, व्हेन डिड आराध्या कम हेयर। सुनीता अपनी सहेली के साथ कहाँ गई थी, कहाँ की इंग्लिश लगा दो, वेयर, है ना, वेयर डिड सुनीता गो विद हर फ्रेंड। चौकीदार ने आज सीटी क्यों नहीं बजाई, व्हाई डिड Not the watchman, देखो यहाँ नहीं सेंटेंस है ना, इसके लिए why did not the watchman blow the whistle today, है ना, whistle मतलब सीटी और blow means बजाई। Rita ने अपने भाई को खाना क्यों नहीं भेजा, why did not Rita send food to her brother, मैंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया था, Why did not I call you? Why did not I call you? बच्चों, मैं आपको इसी चैनल पर नगीन प्रकाशन
की मैथ्स भी कराती हूँ, वो भी आप देख लेना। और मैं ये आउ टेंस सीखे में टेंस के जितने भी पार्ट हैं वो सब कराऊंगी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराऊंगी, ऐसे ही आगे एक एक करके मैं इसके बाद आपको पैराग्राफ वाइज भी कराऊंगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बच्चों।